मनीष की एक दूर के पुआ थी। उनका मायका मनीष के ही शहर में था, लेकिन उसके बुआ की शादी पंजाब में हुई थी। मनीष की बुआ का नाम विदिशा था। उस समय बुआ 25 साल की हॉट लड़की थी। विदिशा एकदम खूबसूरत हुआ, मन को मोह लेने वाला फिगर। चालीसा की बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो गई थी। बुआ के दो बच्चे थे, लेकिन फिर भी वह चलती फिरती कम उम्र वाली देवी लगती थी। उनके आस पड़ोस वाले मर्द उनके नाम की पक्का बाथरूम में जाकर हिलाते होंगे। मनीष विदिशा टू आपको बहुत मानता था। मनीष उनको बहुत पसंद करता था। विदिशा को देखकर मनीष का मन करता था कि उसे भी ऐसे ही पत्नी मिल जाए तो उसका भी जीवन सफल हो जाए। पास में घर होने के कारण विदिशा बुआ का आना जाना मनीष के घर लगा रहता था और मनीष भी अक्सर अपनी बुआ के घर आता जाता रहता था। मनीष की हमेशा से ही मजाक कर की आदत थी, खासकर विदिशा से तो कुछ ज्यादा ही हो जाती थी। मनीष जब भी अपने बुआ से मिलता तो आदत के अनुसार मनीष विदिशा से मजाक किया करता था। मजाक में मनीष अपनी बुआ की सुंदरता की तारीफ करता था और बोलता था कि बुआ मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इस बारे में आपकी क्या राय है। इस पर उसकी बुआ हंस देती थी और कहती थी कि अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन इतनी सारी लड़कियां हैं दुनिया में, मेरी तो शादी हो चुकी है, तुम कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। तब मनीष कहता कि आपके जैसी सुंदर लड़की इस दुनिया में कहां है। चल ठीक है, पर मेरे बच्चे कहां जाएंगे, विदिशा हंसते हुए मनीष से पूछती थी। मनीष कहता था कि वह भी हमारे साथ रह लेंगे। ऐसी बातें करके वे धरोहर देते थे। ऐसे ही हंसी मजाक चलती रहती थी। मार्च के महीने में मनीष सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर आ गया था। इसको ने शहर में आए अभी 2 दिन ही हुए थे, तभी नए नंबर से उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज आया। मनीष पूछता कि आप कौन हैं, लेकिन वह बात को गोलमोल घुमाकर परेशान करती थी। तब फिर मनीष गुस्से से चुन जलाकर बोलता, आप कौन हैं बताइए, नहीं तो आज के बाद मेरे फोन पर मैसेज मत करना। तब फिर वह बोलती, अच्छा वैसे तो तुम बहुत मजाक करते हो और कहते हो कि मुझसे शादी कर लो, और आप पहचान भी नहीं रहे हो तब मैं समझ गया कि यह तो विदिशा बुआ है। फिर मनीष ने पूछा कि आप विचार हुआ हो, तब उस तरफ से मैसेज आया, जी हाँ मैं विदिशा हुआ हूँ। मनीष ने पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, तब इंसान हुआ ने बताया कि मैंने तुम्हारी माँ से लिया है, क्योंकि मैं यही मायके में आई हूँ और मुझे पूरे 2 महीने यहीं पर रहना है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है तो मैंने सोचा तुम पढ़ा दोगे, लेकिन बाद में पता चला कि तुम नौकरी की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर गए हो। इधर कोई टीचर हो तो बताओ, बच्चों का ट्यूशन लगवाना है। उसमें विदिशा के दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। फिर मनीष ने विदिशा को एक टीचर बता दिया और फिर से वही पुरानी वाली बातें करने लगा और खूब हंसी मजाक कर लेता था। कई महीने तक ऐसा चलता रहा। फिर जब मनीष अपने घर गया, तभी विदिशा हुआ अपने मायके में थी। वन दिन मनीष पिज्जा बुआ के घर गया। उस वक्त उसके बुआ नहा रही थी। मनीष घर में घुस गया तो देखा उसके विदिशा हुआ। बाथरूम में तो सो, इसके आगे क्या हुआ आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।